आपसे ये है कि एक न्यू कमर के लिए एक साल में मतलब पहला मौका मिलना ही कठिन होता है, लेकिन आपको एक ही महीने में आपकी दो फिल्में आ रही हैं, तो ये कैसा आपका अनुभव है? और सेकेंड क्वेश्चन ये है कि जो लिगेसी आपकी आ रही है लगातार बॉलीवुड में हम देख रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, उससे आप कितना प्रेशर महसूस कर रही हैं कि कंपेरिजन्स होते रहेंगे? जी, प्रेशर तो होता है, लेकिन फिर बहुत लोग ये भी कहते हैं कि आपके लिए आसान है, आपको दो पिक्चरें मिल गई हैं, आपका किसी ने काम नहीं देखा है. तो मुझे लगता है कि हर चीज़ के मतलब दो हिस्से होते हैं. तो एक कहने को तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर है, लेकिन फिर बहुत सारे मतलब बेनिफिट भी मिलते हैं जिनसे मैं भाग नहीं सकती. मैं जानती हूँ कि अभिषेक सर या रोहित सर ने मुझसे काम करने के लिए मतलब मैं उनसे उनके पास जाकर काम मांग सकी, वो ही बहुत बड़ी बात है. तो प्रेशर तो होता है, लेकिन प्रेशर मुझे लगता है हर इंसान पर होता है. और मैं बस अपने आप को बहुत ही लकी मानती हूँ कि मेरे पास एक नहीं बल दो फिल्में हैं इस साल में, और मैं चाहती हूँ और कोशिश की है, और शायद आप लोग देख लो कि काम ठीक हो. Sara, I would like to sort of spice this conference a little more. I mean, it is your debut. Take a second. It is your debut, 2018, and congratulations for that. Thank you. And of course, another debut that happened was Janhvi Kapoor. That film did very, very well. But there's obviously going to be just one Best Debut of the Year award. are we going to have like a face-off in the boxing ring, the two of you? Not at all. I mean, like I've said previously, I mean, I think that all of us are here to just do our jobs, and we are really no one to decide anything, you know. She's done amazingly. I saw Dharak. I thought she was fantastic. And I hope everybody's loved her work, and I hope that people, you know, like my work too, God willing. And then the rest is whatever happens. I'm stretching my answer. There are years when two of them got the best debut, so that's possible. Abhishek Rast. When you were approached, actually, सबसे first time जैसे आपको पता चला कि there's a story which has come for you, actually, what was your reaction and whom did you actually, you know, spoke regarding this thing to your dad, your mom, what was it? जैसे गट्टू सर ने आपको कहा, संदीप के घर पे हमारा narration हुआ था. गट्टू सर थे वहाँ, कनिका जो हमारी लेखक है वो भी थी, उन्होंने narrate किया था हमें, और मैं अपनी mom के साथ थी वहाँ. और ये सुनकर मतलब सबके रोंगटे खड़े हो गए थे, और आँखों में पानी, और मतलब बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस था. बहुत ही मुझे याद मतलब आज भी याद है कि कैसा लगा वो नरेशन सुनने के बाद. तो तभी बस तय हो गया था मन में कि यही होगा. एक फिल्म आई थी आपकी आंटी की, सुहा अली जी की, एक्चुअली नो इट वाज ऑन द बैकड्रॉप ऑफ अ फ्लड एक्चुअली मुंबई. कभी उस तरह का कुछ ख्याल आया था एक्चुअली कि इस तरह की एक फिल्म, जस्ट अ स्मॉल प्लॉट एक्चुअली? नहीं, उस समय जब उन्होंने कनिका जी ने ये नरेशन दी थी हमें, मेरे दिमाग में और कुछ नहीं था. बस जो दुनिया वो दर्शाना चाहती थी, बस उसके अलावा कुछ और नहीं दिखाई दे रहा था मुझे. बस जैसे उन्होंने लिखा था, जो उन्होंने लिखा था, बस वो ही था. कोई कंपेरिजन कुछ नहीं था. कुछ समय पहले हमने सैफ से पूछा था कि सारा कभी डेब्यू करेंगी नहीं करेंगी, तो उनका कहना था कि अभी वो पढ़ाई वढ़ाई कर रही हैं, वो डेब्यू नहीं करेंगी. मैं दो साल पहले की बात कर रहा हूँ. तो जब आपको ये प्रोजेक्ट आया, आपने क्या जिक्र किया अमृता जी से और सारा जी से? सैफ जी, पढ़ाई तो मैं थोड़ा माइक ऊपर, हाँ सॉरी, पढ़ाई तो मैं 2-3 साल पहले कर रही थी. मेरे फादर का कहना था कि आपको अपनी पढ़ाई ख़त्म करनी चाहिए यहाँ आने से पहले. अगर उसके बाद आपको फिल्मों का हिस्सा बनना है तो आप बनिए. और वो मतलब टोटली मेरे साथ थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप पढ़ाई करके आइए. और फिर जब केदारनाथ जैसी स्क्रिप्ट मुझे मिली और इस फिल्म का हिस्सा बनने का मतलब मौका मुझे मिला, तब दोनों मेरे माता पिता भी मतलब मेरा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन मुझे ये स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लगी कि मैं किसी की नहीं सुनने वाली थी उसके बाद. मतलब दिल आ गया था, तो यही था. नहीं, हम कहना चाहेंगे आपकी हिंदी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा हिंदी बोलती हैं आप. और उसमें एक फैक्ट मैं जोड़ना चाहता हूँ, इनकी 3 साल की जो ग्रेजुएशन की डिग्री थी वो इन्होंने 2 साल में या 4 के 3 में इन्होंने कम्प्लीट करी है. तो इन्होंने अपना काम जल्दी खत्म करके इधर आई है एक्टिंग करने. अभिषेक, पूछना था कि आपकी फैमिली में बहुत सारे एक्टर्स हैं. आई कांट सी यू. आपकी दादी,
Congratulations on that. Papa, mummy, Kareena, Soha. One sec. I'm not wrapping up. 1 minute. You have some time. Slowly. One sec. We can't hear. Yeah. Go ahead. Can I repeat again? Yes, please. Yeah. पूछ रही है कि परिवार में मैं किसके पास जाती हूँ? और जब एक्टिंग में आपको सजेशन चाहिए, तो आप किसके पास जाती हैं? वैसे तो मैं मॉम के साथ रहती हूँ, तो कभी-कभार उनसे एक दो सवाल कर लेती हूँ। लेकिन जब ये हमारे को-एक्टर हैं और ये हमारे निर्देशक हैं, तो फिर घर पे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। तो luckily it's been one of those, we do great work, God willing, on set. So it was pretty easy like that. Sorry, मुझे आपकी आवाज़ नहीं। Sorry, please. आप पूछिए। बताइए। परिवार की बेटी। तो एक एक फैमिली मेंबर क्या सिखाती हैं बेसिकली? ये विचित्र सवाल है ये, एक एक करके नाम लो और ये सिखाया ऐसा बस। मैं मुझे पता नहीं मैं कैसे इसका जवाब दूं। जी क्या जानना चाहते? क्या सिखाया? मुझे लगता है कि करीना एक बहुत ही प्रोफेशनल लेडी हैं और जिस कदर से वो अपना काम करती है मतलब बहुत ही अमेजिंग है, तो बस उनको देखकर मैं उनकी प्रोफेशनलिज्म इंबाइब करना चाहूंगी। वो यू कैन आंसर इन वन वर्ड आल्सो इफ यू वांट। सेफ। अच्छा सॉरी, सेफ व्हाट? क्या सीखा? हिस्ट्री। हिस्ट्री, टॉक अबाउट हिस्ट्री, सॉरी, दैट्स व्हाट वी डू। जज पॉलिटिक्स। मेरी मॉम ही बताती है मुझे कैसे बिहेव करना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है। ठीक है, अभी रैप अप हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हिस्ट्री से भी ज्योग्राफी बाद में कर लेंगे। शुक्रिया, थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। वी हैव टू डू अ फोटो अप द कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम। सारा, हाय, फेसिंग द कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम, वुड यू लाइक टू शेयर योर फर्स्ट डे एक्सपीरियंस विद अस एंड हाउ वाज इट वर्किंग विद सुशांत? हाउ मच डिड ही हेल्प यू? यू नो, आई एम सो ग्लैड यू आस्क्ड मी दैट बिकॉज I don't know how I've done in this film. I've really, really tried my best, but I don't think I would have been able to do any of it without Sushant. He has just been the most helpful person to have had. There were days where, you know, I was a little lost. I was a little, you know, scared. Like you said, first time I'm facing the camera, but he was just always hands-on. And it was so amazing to, like, not just, you know, with Hindi. I like that you said you like my Hindi, लेकिन जो भी मैं बोलती हूँ कि टूटी टाटी हिंदी इन्होंने ही सिखाई है। इन्होंने पहले ही कहा था कि मेरे से हिंदी में ही बात करना, तो ऐसे करते करते मतलब थोड़ी बहुत हिंदी भी सीख ली, इंशाल्लाह थोड़ी बहुत एक्टिंग भी सीख ली। इन्होंने बहुत बहुत मदद की मेरी। Hi, Abhishek. This one second before you need to say thank you, please, Sushant. You know the number of people are thanking you on stage. You should say thank you to all of them. तेरे आंसू निकल आएंगे appreciation के। Honesty, yeah. And with that, gratitude is all I have. Yeah. Lovely, yeah. Abhishek. I'm sorry, what? Would you like to add something to that? Yeah, well, I think pretty much now when somebody is so glowing about their praise, how am I going to... Sara, I mean, you know, this is a first movie, and I remember when Kanika, my writer, and me narrated it to her, she took to it. You know, she took to it as a story, and what I really appreciate is that she wasn't really looking for a launch film, you know. She heard the story and she wanted to be part of this movie. She wanted to contribute to this part. And she really took to the character. Now, that was all talk, you know, when you meet someone. And when I did meet her in the office, she showed me, you know, you have a gut feeling that she's got something, you know, and just the way they talk and just the intensity of a conversation, you can gauge ke insaan mein kya hai dene ke liye as an actor. And... you know, I work with a very good team. I mean, you're only as good as the people you work with. And I had Sushant on set, and you know, so when she came on board, you know, she's an extremely intelligent girl. Extremely intelligent girl. So when she realized she's on board this crew, yeah. And these are the people she's going to work with, she just came in with that game, you know, and she just started to rally. And my favorite part about her is that I'm actually quite a crazy guy on set. Like, I can just scream because I have a schedule and I have a budget and I have so much to pack in. Budget for sure with this kind of film. So I can get really agitated and I want things done.
And she just, like, even if I'm screaming, she just looks me in the face and says, okay, sir, can you explain it to me again? And I'll explain it to her again. And even if I'm screaming, she'll just have a level tone there, you know? And as the kind of director I am, she's a perfect actor to work with. And I feel really privileged to have her in this movie and to have to introduce her in Kedarnath. ISI mark already with your first film. Huh? Congratulations. Before I open out to all my friends in the media, I'm going to ask you, he said you evolved a lot since Kaipoche. How has Abhishek, inverted commas, Gattu Kapoor changed, Mr. Sushant Singh Rajput, since then? See, one thing is common. His want to try different things. And the great thing is that he's consistently, first of all, as an actor, again, the same thing. I am nudged in the right direction, but at the same time, he doesn't tell me what exactly to do. So it gives me room to improvisation, which I would look forward to. So thank you so much, sir. I mean, like, the first time was, as far as experience is concerned, I mean, like, the intensity of wanting to work with him again has only increased. Fantastic. I'm going to open out to our friends in the media. First up, yeah. Hi, Abhishek. This is Manisha here from India. One sec. So I just wanted to add, you are doing another film also. Even I'm confused as to where we are. So if anyone's asking the question, can they just stand? Raise their hand, please. So personally, I want to ask, right. Which you wanted to be your first, Simba or Kedarnath? How can you ask me a question like that? They're both such different experiences and such different films. How can you ask me that? Main kya bolu? दोनों ने मुझे चुना उसके लिए ही मतलब मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ मैं कैसे कुछ बोल सकती हूँ हाय अभिषेक दिस इज मनीषा यू फ्रॉम इंडिया रियली आई नो दिस इमेज इज स्पिटिंग इमेज अभिषेक हियर अभिषेक एक सेकंड जवाब देंगे ना मदर का रिएक्शन जी आई मीन आई थिंक दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मॉम टू बी अनबायस्ड यू नो आई एम her daughter, and I don't look very different from her. So I think that combination makes it a little bit difficult for her to truly be unbiased about what she sees. So, I mean, she wishes me the best, and she hopes that you guys, and then everybody else out there, likes it. Because honestly, she's going to like it. You know, she's going to like whatever I do. I'm her baby. But if you guys like it, y'all are the deciding factor, you know. And she knows that. Such an honor, Abhishek, Abhishek here behind. Abhishek, right, mein aapke.